फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लेट मी इन्फॉर्म मी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे अमेजोन से लाखों रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं। देखिए, चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, वर्किंग मैन हैं या वुमेन हैं, दिन के 2 से 4 घंटे आप लैपटॉप से, अपने मोबाइल फ़ोन से या कंप्यूटर से काम करके आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। इसमें आपकी एज मैटर नहीं करती है, आप 18 साल के हैं या 80 साल के हैं, बस आपसे एंड्रॉयड फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर आपको अच्छे से चलाना आना चाहिए और आपके पास इंटरनेट की अच्छी सुविधा होनी चाहिए। अब बात आती है कि हम घर बैठे अमेजोन से अपनी इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर हमें कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करना होता है तो हम अमेजोन की साइट पर जाते हैं और अपना प्रोडक्ट सर्च करते हैं। जब हमारा प्रोडक्ट सर्च लिस्ट में आ जाता है और हमारे चूज़ का प्रोडक्ट हमें मिल जाता है तो हम क्लिक कर देते हैं और हमारा प्रोडक्ट कुछ ही दिन के अंदर हमारे घर आ जाता है। ठीक, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये प्रोडक्ट अमेजोन के पास आते कहाँ से हैं? क्या अमेजोन खुद इन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है, खुद बनाता है? जी नहीं, जैसे अमेजोन पर प्रोडक्ट बायर करने वाले होते हैं, खरीदने वाले होते हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट बेचने वाले भी होते हैं, मतलब सेल करने वाले भी होते हैं। अमेजोन पर सेल करने वाले को हम अमेजोन सेलर कहते हैं। अमेजोन सेल करने वाले और बाय करने वाले के बीच का सिर्फ एक माध्यम होता है, वो इस चीज़ के लिए कमीशन लेते हैं। अब हमें काम ये करना है कि हमें अमेजोन सेलर बनना है। अब बात ये आती है कि अमेजोन सेलर बनने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, अमेजोन सेलर अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, GST नंबर होना चाहिए और बैंक अकाउंट होना चाहिए, ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए और फ़ोन नंबर आपका होना चाहिए। ये सभी चीज़ें हर किसी के पास अवेलेबल होती हैं। बात रही GST नंबर की, देखिए अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो आप जैसे ही GST नंबर अप्लाई करते हैं उसके 8 से 10 दिन के अंदर आपका GST नंबर आपको मिल जाता है। अगर आप स्टार्टिंग में बिना GST नंबर के सेलिंग करना चाहते हैं तो आप बुक सेल कर सकते हैं। जी हाँ, बुक्स ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप बिना GST नंबर के सेल कर सकते हैं। जब आपके पास ये सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो आपको अमेज़ोन अकाउंट बनाने के लिए अमेज़ोन में रजिस्ट्रेशन करना होता है। ये बहुत ही आसान है और फ्री में ही आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है, कोई पैसा आपका नहीं लगता है इसमें। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो आपको अपना प्रोडक्ट ऐड करना होता है। आप कुछ भी प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं जिसे आप सेल करना चाहते हैं। जब आप प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं तो उसके कुछ दिन बाद ही आपको ऑर्डर आ जाता है। देखिए, वो ऑर्डर आपको मैसेज के द्वारा बता दिया जाता है या आप अमेज़ोन के पेज जो आपने बनाया है उस पर जाकर ऑर्डर चेक कर सकते हैं कि आपको ऑर्डर आया है या नहीं। फिर बात आती है कि उस ऑर्डर को आप खरीदने वाले के पास कैसे पहुंचाएंगे। इसमें अमेज़ोन आपको 3 तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। एक होती है आपकी सेल्फ शिप, दूसरी होती है ईजी शिप और तीसरी होती है FBA। देखिए, सेल्फ शिप में होता क्या है कि आपको अपना प्रोडक्ट खुद ही पैक करना होता है और जिसने आपका ऑर्डर मंगवाया है आपको खुद ही वो ऑर्डर पहुंचाना होता है। अब बात आती है ईजी शिप की। देखिए, ईजी शिप में होता क्या है कि आपको अपना प्रोडक्ट खुद ही पैक करना होता है और जैसे ही आपका ऑर्डर आता है उसके 2 से 3 दिन के अंदर ही आपके पास अमेज़ोन के कुछ बंदे आ जाते हैं और वो प्रोडक्ट आपके पास से ले जाते हैं और वो ही उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले के पास तक पहुंचा देते हैं। अब बात रही FBA की। FBA क्या है? देखिए, FBA में आपको सिर्फ आपको अपना ऑर्डर ऐड करना होता है। जब आप FBA ले लेते हैं तो आपके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो आपको FBA के स्टोर में स्टोर कर देने होते हैं और जैसे ही आपका कोई भी ऑर्डर आता है तो FBA वाले, मतलब अमेज़ोन वाले, खुद ही उस प्रोडक्ट को पैकिंग करते हैं और खुद ही उस प्रोडक्ट को पहुंचा देते हैं। आपको उसमें कुछ नहीं करना होता है, उसके लिए वे कुछ चार्ज लेते हैं। तरह आप अमेज़ोन सेलर बनकर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।